कि नौने मामा को देखा था, गोपाल देखा था, आओ डॉक्टर देखा था, आओ शशि आओ, शीलू आओ, यहाँ आओ, यहाँ यहाँ आओ, मेरे बाजू आओ। और किसने मामा को देखा था? नहीं, डॉक्टर प्रताप आई, खुशहाल बता सकेंगे मामा का? प्रताप भैया बता सकेंगे? आओ भाई बैठो, बहने बैठो, जिन्होंने मामा को देखा है आओ। शांति, दादी ने पूछा कि मम्मा को देखा है, तो मैंने मम्मा को देखा ही था। बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैं मम्मा से बेंगलोर में मिला था। कहानी तो लंबी है, लेकिन मैं जब ज्ञान में नहीं था 1965 में, तो हमारे लौकिक पिताजी ने, वो हमारे पीछे पड़े रहते थे, क्योंकि मैं ज्ञान के अलावा भक्ति भी नहीं करता था, तो करुणा भाई मेरे पास हॉस्टल में आया था कि मम्मा से मिलो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको कहा, पर मैं गया नहीं। तो वो तो अगले दिन फिर आ गया। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा मिलूँगा, मैंने कहा इतनी दूर से फिर नहीं आएगा। लेकिन वो तीसरे दिन फिर आ गया, तो मैंने कहा ये मम्मा से मिलना ही पड़ेगा। तो वैसे तो हंसी की बात है, वहाँ पर एक मुझे पिक्चर देखनी थी जहाँ मम्मा कोई तीसरी मंजिल पर था सेंटर, मुझे याद है। तो मैं फिर 2-2.5 बजे गया, क्योंकि 3 बजे फिल्म देखनी थी। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं 18 साल का ही था। तो मैंने कहा कि मम्मा से मिलना है। वो करुणा भाई आए थे, कोई मैं जानता नहीं। मैं वहाँ बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता था बेंगलोर में हॉस्टल में। तो उन्होंने कहा मम्मा रेस्ट में हैं, और आपस में बातें हो रही थी कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा मम्मा को आप डिस्टर्ब नहीं करो, खाली कह देना वहाँ पर हमारे लौकिक पिताजी को कि मम्मा से मिल लिया वो पीछे। तो बोला नहीं नहीं आप बैठो, मम्मा रेस्ट में। मैंने कहा नहीं नहीं उनको आप तकलीफ़ नहीं दो। लेकिन उन्होंने बिठाई रखा, कुछ टोली दी मुझे, मुझे तो कुछ पता नहीं था उसमें, ये टोली अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो भी वो दिया वो था बहुत टेस्टी, इतना मुझे याद है अभी तक। और एक हंसी की बात सुनाओ कि जब वो टोली दी वो, तो मैंने कहा ये एक और प्लेट मिल जाती तो बहुत अच्छा था। तो पता नहीं कैसे उसको संकल्प आया, वो एक और प्लेट लेके आई। ये वैसे मैं बता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं मम्मा आई है। मैंने कहा आपने खामखा उनको जगाया, उनकी तबीयत ठीक नहीं, मैंने सुना है। तो मम्मा ऐसे सोफे बैठी नीचे, वो छोटा ही सेंटर था, कहीं तीसरी मंजिल पर था। तो मम्मा ने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ। तो बोला अच्छा, वो पढ़ाई भी पढ़नी है। मैंने कहा ठीक है, ज़रूर पढ़ूंगा। मैं तो ऐसे जल्दी से उठना चाहता था। लेकिन ऐसा अनुभव हुआ मुझे कि जैसे कि कह रहे थे इनकी तबीयत खराब है, और आपस में बात हो रही थी बहुत तबीयत खराब है, तो मुझे तो बिल्कुल तबीयत खराब है उसकी कोई जरा सी भी भाषणा नहीं आई। और बहुत अच्छा लगा ऐसे तो मुझे कि ऐसे, और बस मैं तो आ गया। फिर बाद में पता लगा, मैं जयपुर में था फिर, तो कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया है। बाकी तो ज्ञान में मैं फिर ब्रह्मा बाबा के साथ कनेक्शन से आया था। ओम शांति। मेरी मीटिंग भी मम्मा से बहुत ब्रीफ थी। मैं चंडीगढ़ में था, तो मम्मा वहाँ चंडीगढ़ में आए थे। तो नेचुरली जब आते हैं कहीं तो सभी सेंटर्स के भाई बहने आते हैं। तो मेरी उम्र उस समय 12 साल की थी, 12 या 13 साल की। तो अभी नेचुरली बच्चों को मम्मा के सामने कैसे आना होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या कोई गीत सुनाओ। तो मुझे गीत तो नहीं आता था, तो मैंने बचपन में वो गीता का भगवान शिव है श्री कृष्ण ही है उस पर भाषण तैयार किया, फिर मम्मा के सामने जाके वो भाषण किया। तो फिर मम्मा ने जैसे, उस समय तो छोटे थे, तो मम्मा बाबा से जैसे गोद मिलते, फिर मम्मा ने गोद में लिया, टोली खिलाई। तो मुझे जो उस समय का अनुभव याद है कि जो उनकी पर्सनैलिटी थी बहुत गंभीर थी, सौम्य थी, और जैसे साइलेंटली वॉक करते थे। अभी उसको अगर मैं कंपैरिजन करूं, जैसे हमारी गुलजार दादी हैं, तो दादी जैसे हमारे पास से भी गुजर जाएंगी तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो मम्मा भी बहुत साइलेंटली, उनके पाँव की भी आवाज़ नहीं आती थी, वहीं सेंटर पर ही आके रहे थे। और लकीली हमारा सेंटर घर के पास ही था,
तो हम लोगों को सुबह शाम चांस तो मिलता लेकिन इंटरेक्ट करने का इतना मौका नहीं मिला। इंटरेक्ट करने का उतना ही मौका मिला कि मामा को जैसे वो भाषण याद करके सुनाया और उससे जो स्नेह मिला वो स्मृति है। ओम शांति। मैं जब छोटा था जब दादी ने जैसा सुबह कहा कि मेरी वो टीचर थी और संभालती थी तो उस टाइम में मैं क्लास में जाता था सुबह 5 बजे। ये सिर्फ कराची की बात है, उसके बाद में मुझे कुछ याद नहीं इतना। आई एम सॉरी। थैंक यू। शांति। प्यारी प्यारी मम्मा की तो यादें दिल से भुलाई नहीं जाती हैं, चाहे हमने छोटी ही आयु में मम्मा को देखा, क्योंकि मम्मा दो बार करनाल में आई। 1962 की बात मुझे याद है, उस समय हम भी बहुत छोटी उम्र में थी, तो उस समय करनाल के अंदर काफ़ी सारी कुमारियों का झुंड था और कुमारियों को देख करके सभी दादियों को और ख़ास करके मम्मा को बहुत खुशी होती थी। और जब मम्मा वहाँ पर करनाल में आई तो हम सब ने कुमारियाँ होकर के लाइन में हम खड़े थे, मुझे वो सेंटर भी याद आता है, सेंटर के बाहर हम लाइन में खड़े थे और बच्चे हाथ में फूल मालाएं लेकर के मामा का स्वागत किया। और स्वागत के बाद फिर मामा वहाँ पर जब रही तो उन दिनों जनवरी का महीना था, खास लोहड़ी का महीना था, तो लोहड़ी के निमित्त भी मामा के लिए एक गीत बनाया गया था जो सब कुमारियों ने मिलकर के गाया था। लेकिन उस समय मामा से हमें पर्सनली मिलने का भी मौका मिला, क्योंकि उस समय मामा ने करनाल के बाद अंबाला और भी कई स्थानों पर मामा चक्कर लगाने के लिए गई थी। और जब हम पर्सनली मिले तो मामा को देखते ऐसे लगा कि जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। और मामा ने हाथ में जैसे हाथ पकड़ा और मामा ने हाथ पकड़ा तो मैं ऐसे दौड़ करके मामा की गोदी में चली गई। और मामा ने उस समय सिर पे हाथ रखते हुए कहा कि तुम्हें बहुत कुछ करना है। तो मुझे ये तो कुछ समझ नहीं आती थी कि क्या करना है, बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं। फिर मामा ने मेरे को कहा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो मैंने कहा कि मामा मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो मामा ने कहा कि तुम विश्व सेवा करोगी। अब विश्व सेवा की बात तो उस समय मामा ने कही, ना हम भारत को समझते ना विश्व को समझते। मैं तो चुप रही उस समय, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो बोलती नहीं थी, बहुत शांत रहती थी, तो वहाँ सभी मेरे को ये समझते थे ये ज्ञान सुनती भी है या नहीं सुनती है, क्योंकि सारी कुमारियाँ जितनी थी वो एक्टिव में अंदर से थी लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत। तो टीचर बहने भी ये समझती थी, मनोहर दादी कभी कभी मेरे से प्रश्न पूछते थे तुमने समझा, तो कभी कभी हंसी में कहती थी ये गुंगी या बोलती नहीं है, ऐसे हंसी में कहती थी, क्योंकि मैं बहुत शांत रहती थी और जवाब भी बहुत धीमे से देती थी। तो मम्मा ने जैसे कि उस मम्मा को देखते ही उस समय ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत शक्ति आ रही है और मम्मा का स्नेह पाकर के ऐसा लगे कि जैसे चारों तरफ मेरे तरफ स्नेह की किरणें फैल रही हैं। तो मम्मा ने पूछा कि तुम क्या करोगी, विश्व सेवा करोगी, क्योंकि मेरे को पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था और बुद्धि में एक ही बात रहती थी कि मेरे को लौकिक जॉब जरूर करनी है, जबकि मेरे को घर से कोई बंधन भी नहीं था, परिवार से बंधन भी नहीं था, ज्ञान के लिए भी कोई बंधन नहीं था। तो मम्मा ने एक बात ये कही कि कुछ भी करो, बाबा को तो साथ रखना है लेकिन ज्ञान रत्नों को अपने अंदर धारण करती जाओ और ज्ञान से अपने को भरती जाओ, फिर देखना क्या अनुभव होते हैं। तो मम्मा ने उस समय ये शब्द जो मेरे को कहे तो वो शब्द मेरे को बहुत काम में आए। हालांकि मैं ऊपर से नहीं बोलती थी तो मैंने देखा कि ये वरदान के रूप में काम में आए, तो ज्ञान की हर बात ऑटोमेटिकली अंदर जाती थी कि अंदर जा रही है। और जब मैं योग में बैठती और योग के अंदर बैठे बैठे
तो बाबा भी मेरी इंटेलेक्ट को बुद्धि को पुल करते थे और मम्मा कई बार पुल करती थी। और फिर कई बार ऐसा होता था कि मैं जैसे कमरे में बैठी अकेली बैठी हूँ ऐसे सामने देख रही हूँ तो सामने देखते दीवार पे देखती हूँ कि मम्मा बैठी है। मम्मा कहती हैं कि कितनी शक्ति भरी कितने ज्ञान रत्न जमा किए। तो गुप्त में मम्मा बाबा बहुत कुछ पुरुषार्थ कराते रहे। बाहरी रीत से तो मैं सिंपल रीति से शुरू से लेकर के चलती रही हूँ और अभी भी इस प्रकार से चलते हैं, लेकिन मम्मा बाबा का जो हमारे सिर के ऊपर दुआओं का हाथ है वो अभी भी अनुभव होता है, अभी भी मम्मा के साकार की अनुभूति होती है, अभी भी मम्मा कई बार कई बातों के लिए प्रेरणा भी देती हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें पुरुषार्थ कराती रहती हैं। हम नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को कि हम कुछ भी नहीं करते हैं, और जैसे कि बाबा और मम्मा हमारे को आगे करा रहे हैं और हमारा भाग्य बना रहे हैं, तो हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि मम्मा और बाबा खुद हमें पालना दे करके और दादियां पालना दे करके आगे बढ़ा रही हैं। ओम शांति। मेरा भी यह सौभाग्य रहा कि मम्मा को मैंने बहुत निकट से देखा, मम्मा की मैंने पालना ली, क्योंकि ये भी सौभाग्य था मेरा कि मैं मुंबई की हूँ और मम्मा बाबा मुंबई में आते ही रहते थे। तो मम्मा काफ़ी समय बॉम्बे में रही थी। जब मम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मम्मा को रमेश भाई के घर में भी रखा था, वहाँ भी हम गए थे मम्मा से मिलने के लिए। और मधुबन में भी मैं दो बार मम्मा से मिली हूँ। मैं कईयों को सुना चुकी हूँ कि जब साकार में मम्मा बाबा मधुबन में बच्चों से मिलते थे तो मम्मा अलग सौगात देती थी, बाबा अलग सौगात देते थे। तो मुझे दोनों की सौगात अभी भी रखी है लौकिक घर में। जो मम्मा ने मुझे सौगात दी थी, छोटी सी पर्स जो मोतियों की पर्स होती है वो मम्मा ने मुझे दी थी, और बाबा ने छोटी शॉल दी थी वो अभी तक घर में रखी है, कभी पहनी नहीं, कभी यूज़ नहीं की कि ये मम्मा बाबा का जैसे सुविनियर है, भगवान की गिफ्ट है हमको। लेकिन मुझे एक बात याद है, मम्मा कन्याओं का क्लास करा रही थी बॉम्बे में, वाटरलू मेंशन जो सबसे पहला सेवा केंद्र था, तो मेरा स्कूल बिल्कुल सेंटर के पास ही था। तो सवेरे मैं यूनिफॉर्म में घर से पहले सेंटर जाती थी स्कूल यूनिफॉर्म में, और फिर सेंटर पर मुरली सुनकर के स्कूल जाती थी। तो मम्मा बहुत प्यार करती थी कि देखो ये डबल स्टूडेंट है, तो सेंटर पर भी मुरली सुनने आती है फिर स्कूल में भी जाती है। तो सब मुझे उसी प्रकार से, जो पुरानी दादियाँ वो जानती है कि ये स्कूल यूनिफॉर्म में आती थी, छोटी सी थी, मतलब उस प्रकार से। तो 1959 दिसंबर से मैं ज्ञान में हूँ। तो जैसे ही आई तो बाबा मम्मा का प्यार पाया। मम्मा जब जब कन्याओं से मिलती थी तो मुझे याद है हम थोड़ी सी कन्याएं मम्मा के सामने बैठी थी, तो मम्मा ने एक प्रश्न पूछा सभी कन्याओं से कि कोट पैंट वाले से शादी करोगी या पीताम्बरधारी से शादी करोगी। ये मम्मा की विशेष का ये विशेष प्रश्न होता था, एक एक कन्या से पूछती थी, अगर कोट पैंट वाले से शादी करोगी तो पीताम्बरधारी नहीं मिलेगा। तो हम लोग सब ने वायदा किया, नहीं मम्मा हम तो पीताम्बरधारी से ही शादी करेंगे। तो इस प्रकार से मम्मा बहुत प्यार करती थी कन्याओं को, और शिक्षा भी तो उस रूप से कन्याओं को देती थी, कैसे तुमको जैसे बताया ना विश्व सेवा करनी है, तो कन्याओं को देख करके मम्मा बहुत खुश होती थी कि ये कन्याएं बाबा का नाम बाला करेंगी। तो इस प्रकार कुछ कुछ याद है मम्मा का। ओम शांति। भक्ति मार्ग में भागवत का महत्व तो बहुत है, गीता के साथ भागवत का। गीता में भगवान, तुम यहां क्यों बैठा है आज, हर एक अपनी सीट पर फिक्स है ना।
तो गीता में भगवान ने ज्ञान दिया है, भागवत में भगवान के चरित्र है, तो भागवत पढ़ने से कहते जीवन मुक्ति मिलेंगी, समझा? तो इसलिए मेरा भागवत और गीता के साथ बहुत प्यार था। तो मैं गीता जब पढ़ती थी, भगवान अर्जुन को ज्ञान मेरे को ही दे दो ना, भगवान से लड़ाई करती थी, अर्जुन को दिया मैं ही अर्जुन बन जाती ना, इसलिए गीता प्यार से पढ़ती थी। जब भागवत पढ़ती थी तो जैसे राधे और गोपियों का, भाई राधे बड़े नखरे लिए हट्टी लिए ऐसे, सम्मति वो मेरा ही है, गोपियां कहे मेरा ही है, वो प्रैक्टिकल चरित्र देखा। मम्मा का प्यार जो बाबा के साथ था बहुत गार वाला, सिर्फ हम तो बाबा को अच्छी तरह से बैलते थे, बैलाते थे, पर मम्मा गंभीर बहुत। तो मम्मा की गंभीरता सूरत में से देख रहे हैं। मम्मा मम्मा कैसे बनी, मम्मा को मैंने पहले देखा था जब स्कूल में स्टूडेंट थी। सभी जो टीचर सब बहने कुमार का दादी वगैरह सब बहन एक ही क्लास के टीचर स्टूडेंट है। मैं भी वहीं की थी पर मैं थोड़ा डिफरेंट थी, क्योंकि मैं बताती हूँ 11 साल में स्कूल में बैठी, 13 में छोड़ दिया। तो जब ये बैठे थे ना तो मेरे से छोटी कुमार चंद्रमई दादी सब छोटी थी, मैं 11 साल की थी, वो 6-8 साल की थी। मम्मा भी थी, पर मम्मा को देख सभी को मारा कहती इनसे हम नहीं चल सकते हैं। मम्मा बहुत पर्सनैलिटी में होशियार थी, बहुत होशियार थी। मम्मा ड्रेस भी पहनती थी ना, सिंधी में सिंध में रिवाज नहीं है फ्रॉक पहनने का, मम्मा इंग्लिश ड्रेस पहनती थी, फ्रॉक पैजामा, फ्रॉक पैजामा ही फ्रॉक जैसे इंग्लिश ड्रेस पहनती थी। मम्मा इंग्लिश भी बोलने में होशियार, सिंधी नहीं सीखी, मतलब मम्मा का जो पर्सनैलिटी थी ना और सब कुमारों से न्यारी। तो मैं ध्यानी दादी थी, वो ध्यानी दादी मम्मा की मासी थी, तो उसको बच्चा नहीं था, तो उसको मम्मा को बेटी बनाया था। तो ध्यानी दादी जल्दी पहले समर्पण हो गई बाबा के पास, अच्छी बहुत समर्पण हुई। जिन्होंने ध्यानी दादी को हाथ उठाओ, बड़ी मीठी थी ध्यानी, बाबा नाम ही रखा था मिश्री, इतनी मीठी इतनी प्यारी। पहले पहले यज्ञ में कराची में हैदराबाद में भोजन ध्यानी दादी बनाती थी, पर ध्यानी को अंदर था अगर ये राधे आई ना तो अच्छा होगा, बहुत उसको उसको था ये आएंगी नहीं। पर एक ही बारी बाबा के पास आई, वो आंखों से देखा मैंने, बाबा ने दृष्टि दी राधे किसकी है। और मुझे पता है मामा सगाई भी पड़ी थी किसके साथ, वो भी जानते हो, वो बेचारा ऐसे सोने लगा। तो मम्मा ने एक ही दृष्टि से बाबा के बदल गई। इसका बदलना देख सभी को आश्चर्य लगा, पर मम्मा जो ओम की धुनी करे, मम्मा जो गीत गाए, मम्मा जो ये करे, वंडरफुल गीत गाते थे। तो हमारे सब लौकिक जो है ना, सभी बाबा की आकर्षण अलग, पर मम्मा को देख कई कुमारियां मम्मा को देख समर्पण हुई। जो इतनी ढेर कुमारियां आई ना मम्मा को देख, क्यों मम्मा में जो परिवर्तन आया ना, सब जानते थे मम्मा के बारे में, इतना परिवर्तन मम्मा में आने से सभी को बहुत यानी खींच मम्मा की। तो मम्मा की जो खींच होती थी प्रैक्टिकली, बोल चाल चेंज हो गया, ताकि बॉडी का जो है ना, मम्मा पतली ऐसी छोटी सी थी, एक बरस के अंदर लगी ये माँ है। तब मैं 1.5 साल के बाद यज्ञ में आई थी, 1.5 साल के बाद यज्ञ में
तो मुझे कहा क्वीन मदर ने मम्मा से मिली। मैं मम्मा किसको कहती है, मैंने समझा ब्रजेंद्रा के लिए कहती होंगी या बाबा की जो थी जसोदा मैया उनके लिए कहती होंगी, तो मैंने समझा ही नहीं किस किसके लिए कहती है। फिर भी बोला मम्मा से मिली। अच्छा, फिर मम्मा के पास ले गए। मम्मा ऐसी मिली, पहले जानती थी वो तो एक लड़की थी साधारण, मम्मा की पर्सनैलिटी को देख है। जो पर्सनैलिटी है ना मम्मा की, उसमें इतनी कशिश, तो बाबा ने जैसे खींच के देख के समझो न्यारा कर दिया, पर बनना कैसा है सैंपल मम्मा थी हमारे सामने। मैं कहती हूं ऐसा वंडरफुल सैंपल थी मम्मा हर बात में। तो मम्मा, मैंने ये बताया पर भी बताती हूं, मनोहर दादी मम्मा से बहुत फ्रेंडली थी, और मैं तो नहीं आई थी ना तो संकोच करती थी। मैंने कहा तुम बहुत मम्मा से ऐसी बात करती हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मम्मा को जगह बताया, मम्मा ये आपसे डरती है। तो मम्मा ने क्या किया, वहाँ कराची में टेंट स्कोर था, मम्मा ने हाथ से पकड़ के कहा तुम मेरे से डरती हो क्या। मैं कहा डरती नहीं हूँ, इतना प्यार, शायद संकोच करती हूँ। वो दिन से इतनी फ्रेंडली हो गई मम्मा मेरे साथ, इतनी हुई हाथ पकड़ के जैसे मुझे बड़ा समझ के। मैं मम्मा 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 करती रहूं, पर मम्मा को मैं देखती थी ना कैसी है पर्सनैलिटी, तो मैं साधारण तरह से मम्मा को नहीं देखती थी जैसी मम्मा करती है। पर मम्मा से पूछा, मम्मा जो भी क्वेश्चन पूछती थी, मम्मा आपका माइंड ऐसे कैसे बना है, तो कहा अपना माइंड है ना, उसको मैं शांति से चलाती हूँ ना, बड़ा अच्छा चलता है, तब से सीखी। फिर मम्मा को जब मम्मा ऑफिस में बैठी थी, बाबा डायरेक्शन देता था तभी, ये ऑफिस में मम्मा को कहता था ये झाड़ू निकल रहा था तभी निकल रहा था, विश्वरत्न ने निकाला था ये लंदन में विश्व लंदन की यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मम्मा सब डायरेक्शन बाबा जो देता था ऑफिस में बैठ के कुमार का दादी से कराती थी। फिर मम्मा को मैंने ऐसे बैठी, मम्मा मुझे क्या करना चाहिए पुरुषार्थ। वो मम्मा का जो बोल है आज दिन तक, सदाई अपनी अंत घड़ी समझना, कभी नहीं भूला है अंत घड़ी, भगवान मुझे याद रहे। ये मम्मा ने, मम्मा कुर्सी पर बैठी, मैं यहां बैठी हूं। वो जो मम्मा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं, मैं नहीं समझ, कोई दिन मेरे से नहीं भूला होगा। शरीर छोड़ू ना, बाबा की याद में रहूं। देखती थी मम्मा की इतनी रॉयल्टी, बाबा के बोल कैसे कैच करती है। मम्मा ने कभी मुरली पढ़ के नहीं सुनाई, पर बाबा जो लिखता था ना मम्मा पढ़ती थी, फिर हमको सुनाती थी, सुनाती थी तब वंडरफुल मम्मा, वर्ड बाय वर्ड ऐसा सुनाती थी, ऐसा सुनाती थी। हम मम्मा की बुद्धि को देख, और मैं कि मेरी बुद्धि ऐसी बने, सदा ही देखा जैसे मम्मा मुरली को कैसे कैच करके जीवन में लाती है। मम्मा ऐसी बुद्धि रख। पर एक बारी मम्मा ने मेरी टेस्ट किया, तो क्या था, मैं बाबा के पास गई थी, बाबा की मुरली सुनी थी। पर मैं कुंज भवन में आई, तो मम्मा ने कहा बाबा ने क्या सुना है तो सुनाओ। अब मम्मा के सामने मैं कैसे सुनाएंगी, मम्मा यहाँ बैठी है, मुझे यहाँ पर तुम सुन के आई ना बाबा की मुरली सुनाओ। तो मैंने हिम्मत रखी सुनाने की,
ड्रामानुसार आ गया। अगर मम्मा ऐसे सुना सकती है बाबा की मुरली तो मैं भी सुना सकती हूँ ना। तो इस बातों में मैंने मम्मा को काफी बहुत किया है। यज्ञ के लिए प्यार, नियमानुसार चलना, एक्यूरेट रहना, टाइम पर क्लास में आना। एक बार बाबा हमारे पास बंगले में कुंज भवन में आया, बाबा अचानक आता, कर्फ्यू था ना तो दुनिया को पता न चले बाबा आया, अचानक आ जाता था। तो जब बाबा आता था ना उस घड़ी खाना बनाने वाला फलाना सब सब काम छोड़ देते थे, सीधा ऊपर चले जाते थे। तो मम्मा ऊपर थी, क्या हुआ बाबा ऊपर चला गया, मम्मा एक मिनट लेट हुई, सीढ़ी पर बैठ गई, जैसे अपन को सजा दिया। मम्मा चलो ना मम्मा, तो बाबा ने प्यार से बुलाया। ये जो मम्मा ने हमको प्रैक्टिकल लाइफ में मैनर सिखाया है ना, बाबा की मूली इतनी ध्यान से सुनना चाहिए, जीवन में लानी चाहिए। जैसे बाबा जो बाबा कहता है, अभी आज मैं योग में बैठी तो मेरे सामने मम्मा का चेहरा आया, मम्मा कैसे, जो आज बाबा हठ योग भी नहीं है पर। तो मेरा भाग्य है जब शशि करनाल की बात सुना, मैं उस टाइम मम्मा के पास थी, उस टाइम मैं मम्मा के साथ आई थी। हाँ, क्यों, अमृतसर से निकली थी, कन्याएं अमृतसर में पैदा हुई थी। तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने कहा मशीनें लेकर के, कुमार बंधन में थी, इन सबको सिलाई क्लास सिखाओ। सिलाई सलाह से बहाने से भई हम सिलाई सीखने जाते हैं, 10 बजे आती थी कुबाजा, शाम को 4 बजे जाती थी। ये प्रेम उर्मला चरफला टीरा। उसके बाद हमारी मनोर दादी का मेरे से बहुत कंपटीशन थी, दीदी की कंपटीशन थी। जब अमृतसर में कुमारा निकली ना तो मनोर ने करनाल में कुमारा निकाली, दीदी ने दिल्ली में निकाली, दादी ने फिर बाबे में निकाली। सबको लगा बाबा मुझे प्यार करता था, कुमारिया ने कहा। तो कुमार ने जब निकाल, मम्मा कुमारियों को देखे खुश हो गई थी, पर करनाल में मेरे को साथ लेके आई, अभी जब बुला याद करती है। तो ये जो आज बाबा ने कहा ना, एक बाप को याद करो, दूसरा स्वदर्शन चक्र फिराओ, तीसरा किसको आप सम्मान बनाओ। बाबा देखता है बच्चा क्या सर्विस करता है, आज की मूल्य में ये है ना, क्या सर्विस करते बच्चे, समय कैसे गमा। बाबा मम्मा को, मम्मा को खास है, देख करके ये बहुत फायदा हुआ। मम्मा समय का बदर, मम्मा कदर था, बहुत कदर था। कभी मम्मा के मुख से एक्स्ट्रा शब्द नहीं सुनाऊंगा, कभी किसी की गलती मम्मा किसको सुनावे ना, नहीं सुनाई होंगी, नेवर। मम्मा को गलती सुनाई किसने, मम्मा ने संभाली, उसको शिक्षा दी, फिनिश। ऐसी जो रॉयल्टी से पालना मिली है ना, तो आज भी मैं किसको कह रही थी, जैसे रॉयल्टी से पालना मिली है, रॉयल्टी से अपनी पालना करे ना, इतने मनोती हो सकती है। मुझे इस बालकी के लिए बहुत प्यार है, है? इसको ये मेरे पास, तुम आओ आओ आओ। एक सप्ताह पहले मेरे से मिली थी, पर मुझे कहा मैं जा रही हूँ पुणे, मैंने कहा एक सप्ताह रह जाओ, ये बातें पुरुषार्थ करके फिर जाना। आज मुझे जो बातें कही पुरुषार्थ करके लिखत में दिया, बताओ 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 बताओ, पक्की वो अच्छी हो जाएंगी। यहाँ यहाँ बैठो, सदा के लिए ऐसी सीट मिलेगी।
ये बाबा मामा ऐसे ही हमको चलाया है। अच्छा जैसे बताया ना, जैसे बाबा जैसे मामा का बताया ना, एक मिनट, अचानक बाबा ने मुली चलाई एक जगह से दूसरी जगह, मुझे साथ लेके गया, मुझे कहता है बाबा ने मुली क्या चलाई, बाबा के सामने कैसे चलेगी। तभी खटिया पर बैठते थे हम, पट में बैठते थे, उसी संदुली बंदुली कुछ नहीं होती थी। बाबा खटिया पर बैठ रहा है, हमसे बाबा बाजू में बिठाया, यहाँ आओ मुली सुनाओ, बाबा ने क्या चलाई। तो बाबा ने ये सुनाया, बाबा ने ये सुनाया, फिर मैंने कहा सुनाएगी बाबा आप ही शुरू कर देगा, पर तो आज्ञाकारी तो बनने रहूंगा ना, इसलिए बाबा ने प्यार किया है बहुत। कुछ भी कहेंगा ना, हाँ जी बाबा, जी बाबा कहने में बहुत सुख पाया है। तो मैं क्यों सुनाती हूँ, मम्मा को अच्छा लगता था, पर मम्मा की एक बात सुनाती हूँ। मैं थी पूना में, मम्मा को था, मम्मा को बाबा ने शिवा पर भेजा, उसी घड़ी बाबा को बहुत था मम्मा शिवा करे, जितनी भी करे, मधुबन कौन संभालेगा, तो हमारी विश्नी बहन थी उसको मधुबन में रखा। आज फोटो में मैं विश्नी को दिखाया है, बाबा ने मामा को भेजा, तो बाबा को तो मैं आई मधुबन ऐसे ही कहा, तो मधुबन आ जाओ बाबा का कुछ, तो मैं मधुबन आई, नयापुर में सेंटर खुला है। मुझे दूसरे दिन कहता है मामा दिल्ली जा रही है, तो मामा के साथ जाओ। तो मैंने शिक्र बकरी आई है बकरी, मैंने थोड़ा ऐसा मम्मी आई है बकरी, अरे शेनी मामा के साथ जा। तो वहां इतना सेंटर बनाया है नया, थोड़ी शिकल अचानक बुला के बकरी, फिर मेरे को मामा के साथ ही ट्रेन में भेजा, ट्रेन में भेजा, जब दिल्ली पहुंची मैंने समझा मामा के साथ होगी, तो मामा के अंदर प्लान था, बाबा मामा आपस में प्लान बना लिया था, तो जल्दी मामा दिल्ली में जावे फौरन सेवा शुरू करे। तो मामा ने ट्रेन से उतरी हूँ मामा के साथ, दूसरे दिन मामा कहती है तुमको करनाल जाना है, मनोहर पीछे गई है करनाल जाना, अच्छा करनाल गई, गंगे को कानपुर जाना है, उसको ये जाना है, मामा ने सबको इससे सेवा करा दी। तो कभी ने जब बाबा ने कहा बकरी, तो तब से बकरी अच्छा अभी ये थोड़ी ऐसी क्वालिटी वाली बाल की देख, अभी तक ऐसी क्वालिटी नहीं देखी, आज देखी। हाँ बताओ। नाम टीना है और हम पूना से आए हुए हैं, आए थे तो ऐसे अचानक का पार्ट था, कुछ प्लान नहीं था, लास्ट मोमेंट पे ही ऑन दी स्पॉट हमने फ्लाइट की टिकट ली और हम ऐसे ही आ गए। हमने कहा था बाबा से कि अगस्त से पहले आप हमें कैसे भी करके एक बार मधुबन जरूर बुला लेना, लेकिन मधुबन कैसे आएंगे, कुछ बहाना तो चाहिए ना, तो माना आ सकते लेकिन ऐसे नहीं भी आ सकते विदाउट रीजन, लेकिन अचानक आ गए। तो कुछ दुविधा ऐसी थी मन में कि थोड़ा सा कन्फ्यूज थे, एक डिसीजन लेना था, तो ऐसे ही अचानक से शिलू बहन से मिले, तो उन्होंने कहा कि ये आपकी लाइफ का डिसीजन है तो बेटर होगा अगर आप दादी से ही मिलेंगे। तो उस समय दादी से मिलना हुआ, तो दादी ने बहुत ही इंस्टेंटली माना, मैंने देखा कि दादी इतने फास्ट डिसीजन लेते हैं और मैं इतनी वीक हूँ डिसीजन लेने में, तो उन्होंने तुरंत कहा भले जाओ, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे कहा कि तुम कब जाने वाली हो। और दादी जिस दिन मुझे मिले उसके अगले दिन ही मेरा फ्लाइट का नेक्स्ट टिकट था वापस पुणे जाने का, तो मैंने कहा कि मैं कल जा रही हूँ। तो दादी जी ने पूछा कि जाना ज़रूरी है क्या, मैंने कहा ज़रूरी तो कुछ नहीं है दादी जी। तो उन्होंने कहा कि फिर रुको 7 दिन, और उन्होंने मुझे होमवर्क दिया, उसमें जब वो बोल रहे थे तब तो मैं बस हाँ जी कर रही थी, माना उन्होंने कहा मुझे कि यहाँ से आपके पूरे कर्म बंधन जो है वो चुकतू हो जाने चाहिए, कोई भी कर्म बंधन कोई भी बात आपको खींचे नहीं, और दूसरा उन्होंने कहा कि आपका किसी से लगाव नहीं होना चाहिए, न किसी और का आपसे लगाव होना चाहिए, माना
आप तो किसी को याद नहीं करते, लेकिन और भी कोई दूसरा भी आपको याद न करे, ये बात। और तीसरा उन्होंने कहा कि आपको लाइफ में आगे चल करके कभी भी पश्चाताप नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम तो आई वॉज लाइक हाँ दादी, हाँ दादी, ठीक है ठीक। और फिर बाद में मैं इतना घबरा सी गई कहो या टेंस्ड हो गई कि ये कैसा, कितना होमवर्क है, मतलब क्या करना है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं डायरेक्टली बाबा के कमरे में गई और मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप ही मेरे सुप्रीम टीचर है, आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप ही अब मुझे समझाइए कि ये सब बातों को मैं कैसे इसके ऊपर पढ़ाई करूं या क्या करूं। तो निमित्त एक बहन है, उन्होंने मुझे पूरा अच्छे तरीके से समझाया कि कर्म बंधन क्या होते हैं, कैसे उसको चुक्तु करना है, और अकॉर्डिंगली मैंने वो पुरुषार्थ किया एक हफ्ता, और आज फिर दादी जी को वापस लिख करके दिया। तो दादी जी से बहुत सारी प्रेरणाएं मिली, उन्होंने मुझे कहा कि तुम नंबर वन पुरुषार्थ किया है और ऐसे आगे बढ़ने वाली हो बहुत। तो इतना अच्छा लगा, मीन्स मुझे लग रहा है कि सब कुछ जैसे मेरे लाइफ में इस बार अचानक से हो रहा है, क्योंकि पहले मुझे बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता था, मेहनत बहुत करनी पड़ती थी कुछ भी चीज़ पाने के लिए। लेकिन ये जो जून मास एक्चुअली मेरे लिए हमेशा वरदान ही रहा हुआ है, क्योंकि जून में मुझे मम्मा की बहुत याद आती है बिगिनिंग ऑफ द जून से ही, और जून में मुझे बहुत कुछ फायदे भी होते हैं, अलौकिक फायदे, ऐसे माना दादी से मिलना कहो या सेंटर पे होते तो वहाँ भी बड़ों का बहुत स्नेह मिलता है। तो दादी ने इतना प्यार किया, पहले जब हम ज्ञान में आए थे तो मुझे सबसे अच्छे दादी जानकी जी लगते थे, क्यों, क्योंकि वो इतना बाबा बाबा करते हैं और वो अट्रैक्ट करता था कि कैसे दादी हर समय बाबा बाबा करते हैं, तो ऐसे लगता था कि कैसे हम भी इन जैसे बने। और जब इनसे दादी जी से मिलना हुआ, कभी सोचा, संकल्प स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि दादी जी से इतनी पालना मिलेगी, तो दिल की गहराइयों से दादी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दादी जी, ओम शांति। पता नहीं कहाँ थी, मुझे याद नहीं है, हम नंबर वन आने चाहें तो आ सकते हैं। मेरा बाबा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, कोई भी आज चाहे नंबर वन में जाऊं, बाबा को ऐसा चाहिए। कोई चाहे ना मैं 108 में आऊं, तो किसको बोला तो 108 में आएंगी, तो हाँ नीचे शांतिवन में उठ के खड़ा हो गया, अनुभव सुनाया, मैं 108 पे आ सकता हूं, आ सकता हूं, अगर ख्याल आया मुझे आना है, बाबा कहते आ सकता है, अगर कैसे आऊं क्या आऊं, कोई ना कोई तीन प्रकार की जो बातें हैं ना इसने कैच कर ली, कोई भी कर्मबंधन जरा भी एक कदम आगे जाने नहीं देगा। इसलिए बाबा कहते अपन को आत्मा समझ के बाप को याद करो, आत्मा समझ के बाप को याद करो, उसकी प्रैक्टिस ऐसी हो, मैं आत्मा हूं, घर से कैसे आई थी घर जा रही हूं, फिनिश। आपको 108 में आना है ना, बाबा कहते हैं घर से आई थी, याद है, चक्कर लगाया, घर जाना है, कैसे जाना है, जो एक बारी साकार बाबा की मुरली, सारी मुरली, जाना है आना है, जाना है आना है, अस सारी मुरली यही चलाई, जाना है आना है, बस ऐसे ऐसे जो बाबा के बोल है ना, सत वचन है ना, ईश्वर के वचन है ना, वो हमारे दिल को लग जाते हैं ना, जो दिल को लग जाते हैं तो मेरा पार, कोई भी बात है, बात यहां हो गई, मैं आगे चली गई, बात यहां, असुर पीछे ऐसे करके भी सोचना, नंबर पीछे हो जाना, जरा सा पीछे की बात सोचना, ये हुआ था, ये हुआ था, माना
कोई पकड़ के हाथ करी पांव को पकड़ के बैठा है, आगे जाने नहीं देता है। इसलिए बाबा कहता है पास्ट इज पास्ट, जिसको पास्ट इज पास्ट नहीं करने आता है वो 2 मार्क्स भी नहीं ले सकता है, 10 भी नहीं ले सकता है। सोचो तो सही ना। और जो सच्चा नहीं बनता है, आदत के मजबूर है, मेरे को कार होनी चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए, फलाने को है मेरे को नहीं है, क्या सोचते हैं, विचार कैसे है, खाते हो भगवान का, उसके गुण। बाबा की एक बात बहुत अच्छी लगी थी मेरे को, जो बाप की महिमा है, परमात्मा बाप की महिमा है, ब्रह्मा बाबा की महिमा तो भक्ति मार्ग वाले गाते ही नहीं है, मैंने ही गाया है उसकी महिमा, दिल में मैं गाया है, पता नहीं क्या पता है, 84 जन्मों का हिसाब मेरा ब्रह्मा बाबा से रहा है। इसे बताया था घर में ब्रह्मा बाबा का ही भागीरथ का चित्र सामने था, वही प्यारा लगता था। परंतु शिव बाबा कहते हैं परमात्मा की महिमा भक्ति में तब गाते हैं जब उसने तुमको ऐसी महिमा योगी बनाया है ना, कान तो हिलाओ ना। परमात्मा की महिमा हर धर्म वाला भक्ति में गाता है, ऐसा बनाया है प्रैक्टिकली, हम लोग बनाया है, सच्चा बनाया है, आसुरी गुणों से छुड़ा करके ईश्वरी गुण सिखाया है, ऐसे बाबा पर हमको बलार जाना है ना, वारी जाना है ना, वारी जाने वाला कभी ख्याल नहीं आ सकता, पता नहीं हार ना खाऊं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ख्याल किया ना नंबर लेट। तो किसी को मैंने कहा था तुमको नंबर 1 में आना हो तो लिख करके आओ, लिखा था मेरे को नंबर 1 में आना है, बस मेरे को बोलो ना नंबर 1 में आना है तो क्या करने का है। नंबर 1 में जैसे मम्मा बाबा नंबर 1 में आए हैं ना, देख रहे हैं ना, दादी कैसे आई, इतनी सारी सेवा कैसे की, कभी दादी स्वमान में रहने में मैंने थोड़ा टाइम लगाया है, पर दादी स्वमान में सदा रही है, भले आयु की छोटी पर बाबा को रिगार्ड देना, मम्मा को रिगार्ड देना, एकदम मम्मा बाबा को डीटो फॉलो करना, जो मम्मा बाबा के डायरेक्शन है उसी अनुसार एक्यूरेट चलना, उसी से क्या हुआ, आप सबको इतना स्नेह से पालना करके इतने मधुबन ज्ञान सरोवर पांडव शांति वन पना क्या बना दिया दादी ने, क्या हम नहीं बन सकते क्या, जो ऐसे बन सकते हाथ उठाओ, क्या बड़ी बात है, छोड़ो पराई बातों को, पुरानी बातों को, किचड़ वाली बातों को, जो बाबा कहते हैं स्वर्ग की महिमा इतनी है, नरक का क्या है, नाम निशान भी हमारे पास न रहे, निशानी भी न रहे। आज पता नहीं ट्रायल कर रहे थे, मैंने चंद्रमानी दादी को बोलता हुआ देखा भंडारे में, ऐसे मैंने क्या है मेरा ड्रामा ऐसा रहा है, कोई दादियों का भाषण नहीं सुनती हूँ, सुना है हमारी गुर्जा दादी का भी मुझे सुनने का चांस नहीं मिलता है, बहुत जी चाहता है मैं सुनूं, दादी का भी नहीं सुनाऊंगा, और दीदी बाकी भी नहीं सुनाती थी, सिर्फ कान ऐसे बैठे बैठे पकड़ लेती थी, श्रीमत पर चलने के लिए आंख दिखाती थी, मन मत चल नहीं सकती है, समझा। तो इतना बड़ों से सीखना, नंबर 1 में सबसे सीखना, नंबर 1 में आने वाला सबसे सीखता है, सिखाता नहीं है, सीखता है।
तभी हर एक ध्यान आज मम्मा के दिन पर ले लो दुआएं माँ बाप की, पहले माँ, फिर ये भी सोचा क्यों नहीं कहते बाप माँ की, नहीं पहले माँ, बाबा ने माँ को आगे रखा है ना, तो ले लो दुआएं माँ बाप की, पहले गठरी उतरे पाप की, कोई भी पुराना पाप रहा हुआ न हो, समझा? ओके ठीक है।